SN Live सच सबसे आगे। सिवान सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद स्वजनों ने की तोड़फोड़। सिवान सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सोमवार की देर रात एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजन आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान स्वजनों ने ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके साथ बदतमीजी भी किया। स्थिति बिगड़ते देख चिकित्सक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे टाउन थाना की टीम ने आक्रोशितों को किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मृतक नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर निवासी वसीम अहमद बताए जाते हैं। बताया जाता है कि सोमवार की रात नगर थाना क्षेत्र के आनंद नगर निवासी वसीम अहमद घर में गिरकर बेहोश हो गए थे। परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत से गुस्साए परिजनों ने इलाज में लापरवाही और देरी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मुकेश कुमार रंजन किसी तरह भागकर अपनी जान बचा पाए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस निरीक्षक जयप्रकाश पंडित दलबल के साथ सदर अस्पताल पहुंचकर आक्रोशितों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इलाज शुरू ना कर पहले पर्चा बनाने का लगा रहे थे आरोप। घटना के बाद मृतक के परिजनों का आरोप था कि जब वे मरीज को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने पहले पर्चा बनवाने के लिए कहा। जब पर्चा बनवाने के लिए काउंटर पर पहुंचे तब तक मरीज की स्थिति बिगड़ती चली गई। जब चिकित्सक ने इलाज शुरू किया तब तक देर हो चुकी थी, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर मुकेश कुमार रंजन ने कहा कि हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि किसी भी मरीज की जान जाए। सब कुछ करने के बाद भी परिजन हम सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर टूट पड़ते हैं। सिवान सेशन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। कैरियर में भरे ऊंची उड़ान श्रेया मरीन एकेडमी के संग, एकमात्र ऐसा संस्थान जहां से आप 3 साल में अपने सपनों को कर सकते हैं पूरा। इसके साथ ही छात्रों को मिलेगी 8,000 से 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति 3 साल तक हर महीने। 10वीं 12वीं पास छात्रों के लिए है सुनहरा मौका, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा संपर्क नंबर है 9576888811। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।